नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के पराक्रम का ही नतीजा है कि आज सैफई परिवार देश का सबसे रसूखदार सियासी घराना है। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए मुलायम को कड़ा संघर्ष करना पड़ा, यहां तक कि एक वक्त उनकी जान भी दांव पर लग चुकी थी। दरअसल भले ही शुरुआती दौर में मुलायम सिंह यादव जनता में लोकप्रिय होने लगे हों, लेकिन उनका बढ़ता कद इलाकाई सियासी छत्रकों को खटकने लगा था। उनके खिलाफ साजिशों के दौर तेज होने लगे थे, यहां तक कि उनकी जिंदगी पर भी खतरा मंडराने लगा था। वर्ष 1984 में मुलायम सिंह यादव के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन अपनी दूरदर्शिता, अपनी पैने दिमाग और तेज अंदाज से मुलायम सिंह यादव ने उस वक्त कातिलों के मंसूबों को नाकाम कर दिया था। दरअसल ये वाकया है 4 मार्च 1984 का। कुर्रा क्षेत्र के गांव मई खेड़ा में रामेश्वर सिंह यादव की बेटी की शादी जसवंत नगर के बच्ची लाल यादव के भतीजे से हुई थी। बतौर बराती मुलायम सिंह यादव इस शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे। यहां पर लोगों से मिलने जुलने, खाना खाने के बाद रात को 9:30 के करीब अपनी सरकारी एम्बेसडर कार से मुलायम सिंह करहल की तरफ चल दिए। उनके साथ सरकारी गनर के अलावा रामेश्वर दयाल यादव और बच्ची लाल यादव भी मौजूद थे। कार के आगे करहल के नेत्रपाल सिंह यादव चल रहे थे बुलेट मोटरसाइकिल पर। उनके पीछे की सीट पर सवार थे पर्षदीय शिक्षक छोटे लाल यादव। ये काफिला आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही गांव मई खेड़ा से बंबा की पटरी होते हुए गांव अंबरपुर के सामने ये पहुंचे, वहां पर आम के बाग में पहले से ही मौजूद हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। मोटरसाइकिल पर सवार नेत्रपाल को गोलियां लगी तो पीछे बैठे छोटे लाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हमलावरों ने मुलायम सिंह यादव की एम्बेसडर कार पर भी निशाना साधा और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, लेकिन नेताजी कार के बीच की सीटों के बीच में बैठ गए। सरकारी गनर ने भी बदमाशों पर जवाबी फायरिंग की। इसी बीच मुलायम ने एक रणनीति का परिचय दिया। उन्होंने अपने साथियों की ओर इशारा किया और वो लोग चिल्लाने लगे कि मुलायम सिंह यादव को गोली लग गई है और उनकी मौत हो गई है। ये सुनते ही हमलावरों को लगा कि उनका काम पूरा हो गया है और वो वापस लौट गए। आधे घंटे बाद हमलावरों के हथियार शांत हुए, फिर वहां पर जो मुलायम सिंह के साथी थे वो उन्हें अपने सुरक्षा घेरे में लेकर 5 किलोमीटर दूर कुर्रा पुलिस स्टेशन पर लेकर पहुंचे। मामले में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। हालांकि उस दौर में इस हमले को लेकर उंगलियां उठी थीं तत्कालीन कांग्रेस नेता बलराम सिंह यादव के खेमे पर, लेकिन मुलायम ने सीधे तौर पर किसी का भी नाम नहीं लिया। हाँ, ये जरूर कहा कि ये उनकी हत्या की एक सुनियोजित सोची समझी साजिश थी। उन्हें कई बार इस खतरे के बाबत चेतावनी दी गई, लेकिन उन्होंने इससे पर गौर नहीं किया, इसे तवज्जो नहीं दी। भगवान की कृपा से उस दिन वह बच गए। इस वाकये का एक और हैरान करने वाला पहलू है, वो ये है कि बाद के दौर में बलराम सिंह यादव मुलायम सिंह के खेमे में शामिल हो गए, उनकी पार्टी के बड़े नेता हो गए। दरअसल ये रिश्ते बनाने की सपा पुरोधा के हुनर का जादू ही माना जाएगा कि दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी उनके मुरीद हो गए। मुलायम सिंह यादव के सियासी सफरनामे के और भी दिलचस्प पहलुओं से वाबस्ता होने के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज़ यूपी के साथ। नमस्कार।